मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि पानी में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या सीन क्या है, मुंह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, इसकी प्रैक्टिस आप जैसे ये कर रहे हैं सेम ऐसे करो, उसके बाद स्विमिंग में आप प्रैक्टिस को अप्लाई कर पाओगे। क्या सीन है, काफ़ी जने कह रहे हैं नाक में पानी चला जाए मुँह पे, भाई बिगनर है ये प्रॉब्लम आती है। तो एक बार फिर करके दिखाना, ये देखो ब्रीथिंग, नाक से सांस छोड़ना, बाहर आके मुँह से लेना, फिर नाक से छोड़ते आना, ठीक है। ये कुछ इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आपको ब्रीथिंग करने में इतनी दिक्कत होती है, तो ब्रीथिंग की ही प्रैक्टिस सबसे बेस्ट रहेगी। सबसे पहले आप ब्रीथिंग अपनी कंफर्म करो कि आपको देखो जैसे ये कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपको स्विमिंग में, ठीक है, स्विमिंग में सांस लें। उसके बाद आपको जब स्विमिंग करते हो ना, स्विमिंग करते समय आपको ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करते समय ये वाली प्रॉब्लम, जब आपको ब्रीथिंग छोड़नी आती होगी, लेती आती होगी, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी जब आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। ये चीज़ आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है ना। जब आप ब्रीथिंग के कंफर्म होंगे, उसके बाद आपकी किकिंग और हैंड मूवमेंट चलने लग जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर वर्क होगा, नहीं तो क्या होगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, ब्रीथिंग कर ले, डीप ब्रीथिंग कर ले नीचे तक की। तो जब आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाते हैं ना, आपको डीप ब्रीथिंग करनी होती है ये वाली, ठीक है ना। रिलैक्स कर ले। तो सीन क्या है, आपने करनी है प्रैक्टिस, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा बेस्ट आपकी रहेगी, जो कि आपकी कहते हैं नाक में पानी चला गया, मुंह में पानी चला गया। अगर आप नोज़ पिन लगा करते हो तो आपको ये चीज़ का सवाल ही नहीं उठता कि हाँ अभी आप दिक्कत होगी। आप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करने को इतनी मुश्किल है नहीं, सिंपल है। मुंह से सांस लेना है, बंद करना है, नाक से छोड़ते रहना है, फिर बाहर आके मुंह से लेना है। और याद रखना, जैसे आप छोड़ते जाओगे आना है। जब आप नीचे जाकर रोक के सांस नीचे जाके छोड़ना स्टार्ट करोगे तो नाक में पानी जाएगा, या फिर ऐसे एक रिदम बना के रखनी है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने ज़्यादा स्टोर नहीं करना, ज़्यादा थ्रो नहीं करना, कॉमन सा रखना है, जैसे हम बोल रहा हूँ ऐसे ही आपने करना, बस इतने ही मूवमेंट रखनी है। उसके बाद आपके जो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी जनों को आ रही है, वो दूर हो जाएगी। तो समझ में आया, जो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि भाई मुझे ब्रीथिंग में दिक्कत आ रही है, पानी में सांस लेने में दिक्कत आ रही है, नाक में मुंह में पानी चला जाता है, तो बिगनर में ये प्रैक्टिस ना होने की वजह से ये स्वाभाविक रहता है। सेम स्नेहा जी के साथ भी होता है, क्योंकि इनको 7वां दिन हो चुका है स्विमिंग का, पर इनके हैंड मूवमेंट तक चलने लग गया, किक मूवमेंट चलने लग गया। ब्रीथिंग में अभी इनकी जो हैंड मूवमेंट और ब्रीथिंग किक मूवमेंट चलने लग जाएगी, पूरी स्विमिंग करने लग जाएंगे, सांस के ऊपर लास्ट में काम करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हाथ पैर चलाने आती है, एक्चुअली इनको ब्रीथिंग आती है, पर स्विमिंग के साथ ब्रीथिंग करने की प्रैक्टिस, वो अगर आपने इनके पार्ट वन से लेके एक बिगिनर है, ये पूरे बिगिनर इनको बिल्कुल नहीं आती। आप इनका फर्स्ट डे देखो, सेकंड डे देखो, थर्ड देखो, 7 डे तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कैसे प्रैक्टिस होती है। हालांकि इन्होंने बहुत गैप दे दे के किया है, नहीं तो ये ऐसे वाले स्विमिंग पूरी परफेक्टली सीख ले होते। इनके ऊपर जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो मैं पूरा एकदम क्लीन कर रहा हूँ, ताकि जो आगे जाके दिक्कत ना आए। टेढ़े नहीं हाथ चलाने, जहाँ पे ये हाथ गलत चलाते हैं वहाँ पे मैं टोक देता हूँ कि ये हाथ ऐसे नहीं चलाने, ऐसे ही चलाने हैं। जैसे लेग मूवमेंट पूरी सीधी रखनी है, फोल्ड नहीं करनी। एक्चुअल में वो लेग मूवमेंट स्ट्रेट चलती है, और जितनी फोल्ड होने तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप होती है, ठीक है। ये नहीं कि हम फोल्ड करें, खुद फोल्ड करें, हम खुद स्ट्रेट रखेंगे तो अपने आप फोल्ड होने लग जाती है हल्की सी, जितनी उसकी जरूरत होती है। तो अगर हम फोल्ड सोच के चलेंगे तो फोल्ड हम ज़्यादा कर देते हैं, तो हमें करनी नहीं, हमें स्ट्रेट रखे चलना है। उसका जो स्विमिंग की स्पीड होगी ना, वो बहुत तेज़ होगी, और ऐसे लगेगा बड़े आराम से स्विमिंग चल रही है। हालांकि एफर्ट लगता है, ये नहीं कि एफर्ट नहीं लगता। तो बस आज की स्विमिंग इतनी काफ़ी है, आई होप कि आपको अच्छा लगा। तो बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो।